स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th के सर्कल के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। और अभी तक आपने वेबसाइट पे विजिट नहीं करा है तो वेबसाइट पे विजिट करें, www.mathematicsstudyhub.com। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लें, उसमें सारी चैप्टर वाइज फॉर्मूले, सिलेक्टेड क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर, जो भी नीड है आपकी बेसिक, वो सब कुछ अवेलेबल है वेबसाइट पे। आप जरूर विजिट करें और देखें, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ ऑप्शन है। ठीक है, तो ये तो आपको हो गया वेबसाइट के लिए। बाकी आज हम जो सर्किल के चैप्टर कर रहे हैं तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको कुछ नॉलेज गेन जरूर सीखने को मिलेगा। क्योंकि होता है कि कुछ क्वेश्चंस सिंपल होते हैं एक एक नंबर के, तो मुझे डिस्कस सबके अकॉर्डिंग करना है। लेकिन जो भी वीडियो देख रहे हैं उनका एंड तक अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका भला जरूर होगा, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको जरूर सीखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन मैंने अच्छे लिए हैं इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दो पैरेलल टेंजेंट हैं, ये मैंने दो पैरेलल टेंजेंट बना ली। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ सर्किल रेडियस 4, तो ये 4 सेंटीमीटर रेडियस यहां से यहां तक होगा और ये भी रेडियस है ओ बी 4 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ आप देख ही पा रहे हो, सिंपल जो टेंजेंट्स की लेंथ है वो ओ ए प्लस ओ बी यानी 4 प्लस 4, यानी आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन है, चलिए सेकंड करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इसमें लिखा है, इन द गिवन फिगर पॉइंट पी 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ओ, यानी कि ये लेंथ जो है 26 है एंड द लेंथ पी टी यानी जो टेंजेंट है ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पी टू द सर्किल इज 24, यानी ये 24 है और आपको ये रेडियस फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रेडियस यानी ओ टी। आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 होता है, तो ये 90 डिग्री है, दो साइड गिवन है, थर्ड साइड पता करना है तो पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल ओ टी पी, ये ऑप्शन दे रखे इसमें। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो यानी ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। ओ पी आपका है 26 और ओ टी फाइंड आउट करना है, पी टी है 24, तो ये होता है 676, 24 का स्क्वायर होता है 576, ये यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये 100 आ गया ओ टी स्क्वायर। स्क्वायर रूट करेंगे तो ओ टी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आप देख लो कौन सा है, तो डी पार्ट है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो सेकंड का हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन इसमें लिखा है, इन द गिवन फिगर ए बी ए सी आर द टेंजेंट्स विद सेंटर ओ सच दैट बी ए सी 40 डिग्री और हमें बी ओ सी फाइंड आउट करना है और ऑप्शंस हैं 40, 50, 140, 150। ये जो लाइन बनी हुई है यहाँ पे, ये सिर्फ कन्फ्यूजन करने के लिए है। ये लाइन तब काम की होती जब आपको ओ बी सी एंगल फाइंड आउट करना होता, ये वाला एंगल, लेकिन यहाँ पे तो बी ओ सी फाइंड आउट करना है तो इस लाइन का कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, हम सिंपल एक कोऑर्डिनेटर ले लेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी ओ बी, ए सी ओ बी और चारों एंगल का सम कर देंगे 360, और इनमें दो एंगल तो ये 90 ही होते हैं क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है 90, तो इजीली ये वाला एंगल आ जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी ओ सी जो हमें फाइंड आउट करना है प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए है 40 डिग्री, सी है 90 डिग्री, बी ओ सी फाइंड आउट करना है और ये है 90 डिग्री 360, तो एंगल बी ओ सी क्या आ जाएगा 360 माइनस 90 माइनस 90 और भाई माइनस का 40, तो जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 140 डिग्री। आप सॉल्व कर ले, ठीक है, तो कैसे आएगा ये 180 हो जाएगा, 180 माइनस होगा 360 में तो 180 आएगा और 180 में 40 माइनस होगा तो 140, तो ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इसमें लिखा है, टू पैरेलल लाइंस टच द सर्किल एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, द एरिया ऑफ सर्किल दिस द लेंथ ऑफ ए बी। तो दो पैरेलल लाइन हमें बनानी है जो सर्किल को टच कर रही है, यानी कि ये और ये, तो एक पॉइंट ए लेना है और एक पॉइंट बी और हमें बाद में ए बी फाइंड आउट करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था कि जो ए बी की लेंथ जो थी वो टू टाइम्स ऑफ रेडियस थी, तो यानी मेनली फोकस हमें करना है रेडियस पे क्योंकि ए बी जो है वो ओ ए प्लस ओ बी है और ओ ए क्या है रेडियस। तो एरिया ऑफ सर्किल आपको गिवन है 25 पाई
अब एरिया होता क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अब स्क्वायर रूट कर लेंगे तो आर हमें मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आर अगर 5 सेंटीमीटर आ गया, तो अभी डिस्कस हुआ था ए बी जो है वो ओ ए प्लस ओ बी होता है, और ओ ए ओ बी दोनों रेडियस है, यानी 5 प्लस 5 तो 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन इसका सी पार्ट है। तो नेक्स्ट जो 5th क्वेश्चन, इसमें लिखा है लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल इज नॉन एज, मतलब एक लाइन है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इसे ये टेंजेंट होता है और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर ये पी पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो आपसे क्या बोला गया, लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासिंग थ्रू द सेंटर, अब सेंटर ये है तो लाइन सेगमेंट जो बनाया जा रहा है वो परपेंडिकुलर इससे, ठीक है। तो होता क्या है कि लिखा है लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासिंग थ्रू द सेंटर, नहीं एक लाइन ये बन रही है, तो आपको पता है कि जो सेंटर है यानी ये रेडियस, टेंजेंट के साथ तो एंगल 90 डिग्री होता है, तो बोला इसको क्या बोलेंगे। देखो टेंजेंट तो ये होता है हमें, लेकिन इस बारे में बताना है। कॉर्ड की बात करें तो कॉर्ड तो इस टाइप से होता है कि दो पॉइंट के बीच में जो लाइन सेगमेंट है उसको कॉर्ड बोलते हैं। थर्ड है नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, यानी कि यार ये टेंजेंट है तो इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यानी इसका आंसर जो है वो ये सी पार्ट होगा। सेगमेंट एक अलग चीज होती है, वो ये होता है सेगमेंट, तो ये एरिया ये पार्ट होता है पूरा, तो ये तो होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मल, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन, इसमें लिखा है इन द फिगर AT इज अ टेंजेंट, यानी ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये टेंजेंट है AT टू द सर्किल विद सेंटर O सच दैट OT इज इक्वल टू 4, यानी ये OT की जो लेंथ है 4 है, OT A एंगल 30 डिग्री है, AT फाइंड आउट करना है। तो चलिए सेंटर से इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शंस दे रखे हैं 4, 2, 2 √3, 4 √3। तो देखिए इसमें हमें बस यही देखना है, अगर एंगल दे रखा है और ये 90 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करना है। आप ये देखा करो कौन सी साइड गिवन है, कौन सी फाइंड आउट करना है। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस, और 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस। तो आपको ये देखना है कि फाइंड करना है बेस, हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर कोई यूज मत करो, बेस और हाइपोटेनियस का यूज करना है। तो किस में बेस और हाइपोटेनियस होता है, कॉस में, तो कॉस 30 डिग्री यूज कर लेंगे इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OAT में। अब कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है AT और हाइपोटेनियस है OT, तो AT तो फाइंड आउट करना है, OT आपका 4 है और कॉस 30 के लिए होती है √3/2, तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 80 हो जाएगा 4 √3/2, 2 से कैंसिल कर देगा 4 को, तो ये 2 √3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन आप देख पा रहे हो यहाँ पे सी पार्ट है, तो ये सी पार्ट इसका आंसर। तो नेक्स्ट जो 7th क्वेश्चन, इसमें लिखा है इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, पी क्यू इज अ कॉर्ड, ये कॉर्ड है, एंड टेंजेंट पी आर, पी आर टेंजेंट है, अगर पी आर टेंजेंट है तो ये रेडियस है OP, तो ये पूरा एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल होता है 90। फिर इसमें लिखा है टेंजेंट पी आर एट पी मेक्स एन एंगल 50 डिग्री, ये 50 डिग्री विद पी क्यू, ये पी क्यू के साथ 50 डिग्री है, हमें पी ओ क्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए देखो हमें पता है कि ओ पी जो है, और ऑप्शन दे रखे 100, 80, 90, 75, हमें पता है ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है पी आर के साथ, यानी कि एंगल ओ पी आर जो होगा, यानी ये एंगल ओ पी आर 90 होगा। अब ये इसमें 50 है तो ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं, तो एंगल ओ पी क्यू क्या हो जाएगा, 90 - 50 यानी कितना आ जाएगा 40, तो ये एंगल आ गया 40 डिग्री। तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ओ पी जो है वो ओ क्यू के इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है दोनों, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, तो ये एंगल ओ क्यू पी भी जो है वो कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब ये 40 हो गया, अब आप लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू 40 + 40 + POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल पी ओ क्यू क्या आ जाएगा 180 माइनस ये 40 40 80 हो जाएगा, तो 80 इधर माइनस हो जाएगा, तो
तो यहाँ पे 80 80 क्या आ जाएगा, 180 में 80 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 100, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट। तो नेक्स्ट जो 8th क्वेश्चन है इस पर लिखा है इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, ए बी इज अ कॉर्ड, ए टी इज अ टेंजेंट, ए ओ बी 100 डिग्री। देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरह है, इस बार बी ए डी पूछा गया ये वाला एंगल, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये वाले एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि टोटल तो 90 होता है, तो अगर ये वाला एंगल आ जाएगा तो 90 में से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम टारगेट कर रहे हैं ओ ए बी कैसे आएगा। देखो अगर ओ ए ओ बी रेडियस है, ऑप्शन सी आपके पास है, तो इसका मतलब है एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए होगा, ठीक है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इन दोनों को मैंने एक्स ले लिया, एक्स ये एक्स, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो इन ट्राइंगल ए ओ बी में, तो एक्स प्लस 100 इक्वल टू 180, एक्स प्लस एक्स 2x, 180 माइनस 100 तो ये आ जाएगा 80, तो x से डिवाइड, x जो है कितना आ जाएगा 80 अपॉन 2, x आ जाएगा 40। तो अगर x 40 आया है, यानी ये वाला एंगल, टोटल 90 होता है ये पूरा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट एंगल 90 होता है। तो अगर आपको बी ए टी फाइंड आउट करना है, एंगल बी ए टी, तो वो क्या होगा 90 माइनस x, क्योंकि ये x है, टोटल 90 है, तो 90 में से ये x माइनस करोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, तो 90 माइनस 40, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 50 डिग्री। तो ऑप्शन आपके पास है सी पार्ट, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इसमें लिखा है इन द फिगर पी ए एंड पी बी आर द टू टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर ओ, ए पी बी एंगल है 60 डिग्री और आपको ओ ए बी ये फाइंड आउट करना है। देखो बार बार डिस्कशन हो रहा है क्वेश्चन में कि रेडियस और टेंजेंट का ये एंगल तो होता है 90, तो अगर हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लें तो 90 में से ये माइनस कर देंगे, आपको ओ ए बी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम बहुत आसान है, तो आपको पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटेंड पॉइंट आर इक्वल, यानी कि पी ए पी बी तो इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये एंगल एक्स है, तो ये भी क्या होगा एक्स, तो एंगल हम लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी बी ए, तो इन दोनों को मैंने एक्स ले लिया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो इन ट्राइंगल पी ए बी, एक्स प्लस 60 इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180 माइनस 60, 2x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू क्या आएगा 120 अपॉन 2 यानी 60 डिग्री। तो अगर x 60 आ गया, तो अगर हम ओ ए बी की बात करें तो एंगल ओ ए बी क्या होगा 90 माइनस x, टोटल 90 होता है, ये पूरा 90 है, तो 90 में से क्या हो रहा है x माइनस हो रहा है, तो 90 माइनस 60, x हमारा 60 आया है, तो आंसर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ए पार्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन है और लास्ट है इस चैप्टर का, तो इसमें लिखा है गिवन फिगर सी पी एंड सी क्यू आर टू टेंजेंट, सी पी और सी क्यू जो है वो दो टेंजेंट हैं विद सेंटर ओ, ए आर बी इज अनदर टेंजेंट, एक अलग टेंजेंट है ए आर बी और जो सर्किल को टच कर रही है आर पॉइंट पे, ठीक है। सी पी 11 है, सी पी आपको 11 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सी पी जो है वो सी क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो सी क्यू तो हमें मिल गया 11, और हमें फाइंड क्या करना है, बी सी भी आपको दे रखा है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है बी सी, और बी आर फाइंड आउट करना है, ये बी आर, ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं 6 5 4 3। देखो अगर बी आर फाइंड आउट करना है तो इस बी पॉइंट से बी आर और बी क्यू तो इक्वल होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ये भी तो है। देखो जैसे सी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सी पी और सी क्यू लेंथ इक्वल हो गई क्योंकि टेंजेंट था, सिमिलर बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बी आर और बी क्यू भी इक्वल होगा, तो बी क्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो मैंने सी क्यू तो पहले लिख लिया 11 है, ये 11 निकाल लिया मैंने, क्योंकि वो सी सी पी के इक्वल है सी क्यू, और ये 6 है, तो क्या बी क्यू कितना आ जाएगा, तो बी, और वैसे भी देखो 1 मार्क का क्वेश्चन जितना आप शॉर्ट में करो ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, एक नंबर क्वेश्चन है, कितने स्टेप लिखोगे आप इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, जितना कम से कम में लिखना चाहो, ये नहीं कि आप लिखने में लगे हो सी क्यू इक्वल टू सी बी माइनस क्यू बी, कोई जरूरत नहीं, जितना शॉर्ट करना चाहो उतना करो, ठीक है। तो फिलहाल आपको दिख रहा है 11 माइनस 6 है, आप डायरेक्ट कर सकते हो 11 माइनस 6, ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी क्यू बी आर के इक्वल है, और आपको बी आर फाइंड आउट करना है,
हाँ, पर इसमें जरूर लिख सकते हो कि बी आर जो है बी क्यू के इक्वल क्यों है। मैं लिख देता हूँ, चलो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, जो टेंजेंट की लेंथ है वो इक्वल, इसमें लिख सकते हो। तो बी क्यू हमारा 5 आया है, तो बी आर भी क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी पार्ट। तो आशा करता हूँ जो आज हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए वो आपको समझ में आए हों, और अगर आपको समझ में आए तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू यूजर्स हैं, और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें, लोगों को ज़्यादा ज़्यादा भला हो सके। ठीक है, पेपर आ रहे हैं, तैयारी अच्छे से करें, ठीक है, और स्टूडेंट्स की भी हेल्प करें, और बाकी वेबसाइट पर विजिट कर लें, और जो भी आपको लगता है जो आपकी रिक्वायरमेंट वो फुलफिल हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, आज के लिए इतना ही।